हेलो फ्रेंड, आजकल लॉकडाउन के चलते हम लोग सब घर में हैं, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। ब्यूटीशियन को भी नहीं बुला सकते हैं घर में कोरोना के चलते, और ना पार्लर वगैरह भी जा सकते हैं। और घर में सभी लोग घर में हैं तो काम भी इतना हो जाता है, तो इस दौरान हमारे हाथ बहुत रफ हो गए हैं। अगर तो आप घर पर ही अपने हाथों को अच्छा करने के लिए मैनिक्योर कर सकती हैं घर में ही अपने आप से, इसके लिए आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए। इसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा हम इसमें शैम्पू डालेंगे। आधा नींबू इसमें अपने हाथों को डुबो लीजिए। हाथों को 10 मिनट तक इस तरह से डुबो लीजिए, इस तरह से साफ भी करते रहिए। अगर आपके घर में आपके टीनेज भी इसमें अपने हाथों को इस तरह से हल्का हल्का रगड़ते रहिए। अगर आपके घर में आपकी टीनेज बेटी हो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकती हैं, आप उसका कर दीजिए, वो आपका कर दीजिए, तो इससे अच्छा भी लगेगा। इस तरह से 10 मिनट अपने हाथों को बीच बीच में इस तरह से झावे से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से रगड़ेंगे हम। ये हमने जो नींबू डाला था इसके छिलके से ऐसे इस तरह से नेल्स, ये बहुत खुरदरे से हो जाते हैं नेल्स, सब्जी काटो कहीं कुछ बर्तन मांजो तो इसलिए नेल्स पे इस तरह से आप नेल्स पे ही नींबू इस तरह से रगड़ेंगे, नेल्स भी एकदम साफ हो जाएंगे और मजबूत भी होंगे। हाथों में रिंग वगैरह पहने हो तो वो निकाल दीजिए, मैनीक्योर करते टाइम रिंग वगैरह उतार के रख दीजिए। तो का जितना भी खुरदरापन होगा, इधर सब्जी काटते टाइम इधर सभी किनारे किनारे ये आलू वालू छीलो तो कड़े से जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, तो सब साफ हो जाएगा। मिनट के बाद हाथों 10 मिनट के बाद हाथों को फिर साफ पानी से धुलकर पोंछ लीजिए। अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो नेल्स को इस तरह से नेल कटर से या इस तरह से किनारे किनारे से नेल्स को फाइल कर लीजिए। ये आपके पास नेल फाइल्स करने वाला तो उससे भी आप कर सकते हैं ऐसे फाइल। फिर इसके बाद कोई सी भी कोल्ड क्रीम आपके पास हो तो कोल्ड क्रीम हाथों पर लगाइए इस तरह से। अगर कोल्ड क्रीम नहीं है तो नारियल का तेल या जैतून का तेल गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथों पर ही मसाज करेंगे। सबसे पहले नेल्स में इस तरह से लगा ली क्रीम, अब इसको इस तरह पहले ऐसे राउंड राउंड इस तरह से इधर से लेंगे, इधर से 5 बार इस तरह से घुमाएंगे, फिर 5 बार इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से 5 बार इस तरह से करेंगे, फिर ऐसे दो उंगलियों के बीच में इस तरह से डाल के ऐसे इस तरह से 5-5 बार ये सारी उंगलियों में करेंगे हम। इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे।
सारी फिंगर में इस तरह से मसाज करने के बाद फिर इस तरह से हथेलियों में इस तरह से फिर पांचों उंगलियों को इस तरह से फंसा करके ऐसे इस तरह से रगड़ेंगे और फिर ऐसे खींचेंगे इस तरह से करके ऐसे। जिस तरह से हम चूड़ी पहनते हैं तो उसी तरह से इस तरह से हाथों को इस तरह से गोलाई में इस तरह से घुमाएंगे। इससे हमारे हाथों की झुर्रियाँ भी दूर होती हैं और हाथ भी सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। इसी तरह से हम इस वाले हाथ में भी सेम यही वाला प्रोसेस दोहराएंगे जो इसमें किया है। जैसे हमने उस वाले हाथ में मसाज की थी इसी तरह से सब करेंगे, इस वाले हाथ में भी सेम उसी तरीके से करेंगे, सारी फिंगर में इसी तरीके से। दूसरा हाथ भी कर लीजिए, मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। एक फिंगर में करके पहले हम नेल्स में इस तरह से करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर इस साइड से एक दो तीन चार पाँच, फिर इस तरह से करेंगे, फिर इधर साइड से, फिर ऐसे अपनी दो उंगली में फंसा के इस तरह से एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह से सारी उंगलियों में कर लेंगे पूरे हाथ में। फिर इस तरह से देखिए हाथ कितने सॉफ्ट और हो गए हैं। अब आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद की नेल पॉलिश लगा सकती हैं। काम के साथ साथ हमें अपने और भी थोड़ा ध्यान देने चाहिए, जैसे अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। थोड़े टाइम में ही हमारे हाथ इतने साफ और स्वस्थ लग रहे हैं। ये देखिए